रामनवमी के जुलूस में शामिल होने जा रहे लोगों पर युवकों पर पथराव हुआ है। घटना पर बेरमो के प्रखंड कार्यालय में शांति समिति की बैठक कर दोनों समुदाय के लोगों से घटना की जानकारी लेकर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा जताते हुए डीएसपी सतीश चंद्र झा ने कहा कि आपसी भाईचारा और सौहार्द को जिस किसी ने भी बिगाड़ने की कोशिश की है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो सके। अगर किसी को जुलूस लाइसेंस के बिना लिए बिना कहीं चले जाए, कोई जलसा कहीं पर भी कर ले और उस जलसे में उलझ जाए, 10 आदमी मार भी हो जाए, तो बोले भाई पुलिस ने तो कुछ नहीं किया। कल कुछ मामूली विवाद हो गए थे रामनवमी के जुलूस को, उसी विवादों के निपटारा के लिए आज हम लोगों ने शांति से बैठक मुख्यालय में रखा है और इस बैठक को बहुत अच्छे तरीके से सभी दोनों पक्षों के समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। मामला को समझा गया और इसमें जो दोषी है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की बात भी की गई और आपस में किस प्रकार से भविष्य में लोग शांति स्थापित करते हुए भाईचारे के साथ रहेंगे इस पर विशेष चर्चा। अभी तक जो इस संबंध में पुलिस जो है अनुसंधान कर रही है, अभी तो सभी स्थिति पे वो जाँच कर रही है, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ